हेलो एवरीवन, मैं आभा आपकी गार्डनर दोस्त। वेलकम टू बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सामने आपको मैं आज एक मेरी सर्कुलेंट के प्लांट दिखाती हूँ। ये मदर ऑफ थाउजेंड है और देखिए इसके जो पेटल हैं बहुत थिक और बहुत ही सुंदर हैं। तो इसके कुछ आज बेबी प्लांट मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो लीव्स होते हैं ना, इस लीव्स के किनारे देखिए छोटे 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 बेबी प्लांट। देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ये देखिए ये जो लीव्स के किनारे किनारे जो है ना, ये देखिए ऐसे किनारे किनारे लीव्स लगे हुए हैं। और ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से इस प्लांट का प्रोपगेशन होता है। इसे लीव्स से भी आप कर सकते हैं। ये जो छोटे छोटे लीव्स दिख रहे हैं ना, इस लीव्स से भी आप इसे लगा सकते हैं और स्टेम के द्वारा भी लगा सकते हैं। लेकिन ये लीव के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोपेगेट होते हैं। और जो ये प्लांट होते हैं वो सर्कुलेंट फैमिली से होते हैं और विंटर में बहुत ही अच्छे ग्रोथ करते हैं। ये बहुत हार्डी जो सर्कुलेंट होते हैं, मदर ऑफ थाउजेंड बोलते हैं। मदर ऑफ थाउजेंड इसलिए बोला जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके एक छोटे से बेबी प्लांट से आप हज़ारों लाखों की संख्या में प्लांट रेडी कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा। और देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं ना ये, इसके जो पेटल हैं बहुत प्यारे प्यारे से हैं। और ये जो देखिए, मैं आपको एक चीज़ भी दिखा रही हूँ इसमें, इसमें जो छोटे छोटे लीव्स हैं ना, इसको आप टच भी करेंगे ना तो ऐसे ये देखिए ये नीचे गिर जाते हैं। और ऐसे नीचे गिर गिर के देखिए बहुत सारे मेरे छोटे छोटे बेबी प्लांट इसमें रेडी हो चुके हैं। तो इसी की मैं आज रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। इस जो बेबी प्लांट है उसे मैं अच्छे से ग्रोथ होने दूँगी, इसे आज रिपोर्ट नहीं करूँगी। मैं जो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो मेरे पार्ट पे जो बेबी प्लांट हुए हैं, ये कुछ इजीवेरिया का एक वेराइटी है, सर्कुलेंट है। इसके बगल बगल पे देखिए ये बेबी प्लांट मदर ऑफ थाउजेंड का ग्रो हुआ है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो प्लांट है उसके बगल में ये कैसे प्रोपगेट हो गया, तो मैं आपको बता रही हूँ। जो ये प्लांट है ना, ये दोनों ऐसे अगल बगल पर रखे हुए थे मेरे, और जब भी मैं इसे टच करती थी ना तो इसके जो लीव्स है पानी देती थी तो जो इसके लीव्स है ना वो झड़ के इस पॉट में गिर जाते थे। तो इस पॉट में ही ये धीरे धीरे प्रोपेगेट हो गए और इसी से मैं आज बेबी प्लांट रेडी करने वाली हूँ। और ये देखिए मैंने एक शैलो पॉट लिया हुआ है, इसी में आज मैं इस प्लांट को लगाने वाली हूँ। तो देखिए प्लांट को लगाने के लिए ये देखिए मैं इसी में से ये प्लांट को निकाला हुआ है मैंने। तो देखिए इतने सुंदर बेबी प्लांट, इसमें बहुत ही अच्छे बेबी प्लांट रेडी हो गए हैं और काफ़ी हेल्दी हैं ये। तो इसी को आज मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। रिपोर्ट करने के लिए जो मैंने पॉटिंग सॉइल जो मैं हमेशा की तरह रेडी करती हूँ, गार्डन सॉइल नहीं रहता है इसमें सर्कुलेंट में मेरे, टोटल लीफ मोड और वर्मी कंपोस्ट और राइस हस्क में मैं इसे प्रोपेगेट करती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसमें 40% राइस हस्क लिया हुआ है, 20% लीफ मोड और 10% वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर या फिर नीम खली। इस टाइप का आप पॉटिंग मीडिया सर्कुलेंट के लिए रेडी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी को आज ग्रो कर लेते हैं। और इसमें रूट का सिस्टम देखिए मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें रूट डेवलप हो गए हैं। तो ऐसे मैंने होल बना लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से जो रूट बॉल निकल गए क्योंकि मेरी जो सॉइल मीडिया थी काफ़ी वेल ड्रेन थी, तो इसमें से पॉटिंग मीडिया जो है मेरा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ऐसा होल मैंने कर लिया है। और ये देखिए छोटे छोटे हमारे जो बेबी प्लांट है ना, मैंने इसे ग्रो किया कर लिया। और ऐसा जो बेबी प्लांट जो आपका है वो गिफ्ट करने के लिए आज किसी को, तो एक दो प्लांट मैं इसमें से आज अपनी फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए भी निकालने वाली हूँ। मेरी एक फ्रेंड रहती हैं वहाँ, वो उसे मैं उन्हें मैं आज में गिफ्ट करने के लिए निकाल लूँगी। तो बहुत ही केयरफुली इस प्लांट को निकालना है फ्रेंड्स। ये देखिए और इसके साथ देखिए एक इचीवेरिया का वेराइटी भी निकल आया, इसे भी मैं लगा लूँगी। ये देखिए ये ऐसा ये देखिए, तो ये देखिए मैं ऐसा मीडिया में बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करके इसके जो रूट बॉल है ना उसे मैं, इसे अगर आपको दिक्कत हो रही होगी ये नीचे स्टेम में जा रहे होंगे तो आप उसे निकाल लीजिए, क्योंकि ऐसा होने से फिर क्या होता है, हमारा जो प्लांट स्टेबल नहीं हो पाता है।
ये देखिए, तो मैं इस पे तीन प्लांट और लगाने वाली हूँ। ये देखिए, आप ऐसा करके जो नीचे के छोटे छोटे लीव्स हैं ना, उसे निकाल दीजिए, क्योंकि ये फिर ये हमारे सॉइल में दब के गल जाते हैं और फंगस हो जाते हैं इससे, तो इसे आप निकाल लीजिए। बहुत ईजिली आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, और एक बेबी प्लांट है इस पर, उसे भी मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी। ये देखिए कितने छोटे छोटे से, अब क्या होगा, इसमें विंटर आ रहा है तो इसमें से छोटे छोटे बेबी प्लांट और निकलेंगे, और जैसे जैसे इसके लीव्स मैच्योर होते जाएंगे ना, तो इसके लीव्स से फिर डबल, ये अपने जो लीव्स से ही प्रोपोगेट होते हैं, जल्दी जल्दी अपने लीव्स से और भी प्लांट बना लेते हैं। ये देखिए कितना छोटू सा है, देखिए, और छोटे छोटे जो लीव्स है उसको ऐसे मैं निकाल लेती हूँ, ताकि अरे सॉरी, इसका रूट ही निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे ऐसे एज इट इज ऐसे ही लगा दूंगी। ये भी देखिए बहुत छोटा सा ही है ये प्लांट। तो इस तरीके से देखिए मैंने प्लांट को लगा लिया है, इसकी रिपोर्टिंग कर दी है। तो ये देखिए छोटे छोटे मेरे मदर ऑफ थाउजेंड का हैंगिंग है, मैं इसका अपडेट आपको देते रहूँगी कि किस तरीके से हमारे विंटर में सर्कुलेंट ग्रो करते हैं, और ये बहुत ही हार्डी सर्कुलेंट होते हैं, गर्मी बरसात और ठंड तीनों में अच्छे तरीके से चलते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने सर्कुलेंट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, विंटर आ चुका है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।